हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको फेसबुक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि आप किसी भी वीडियो को आप फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया से आप किसी वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें, और वीडियो देखने के बाद काइंडली कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट आप लॉगिन करें, और फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने उस वीडियो पे आना है जिस वीडियो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वीडियो है, हम ये वाली वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपने इस वीडियो पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपने शो वीडियो यूआरएल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है इसका यूआरएल, यहाँ से राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है, और कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करेंगे, और न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है टेले चार्जर और यूनी वीडियो। ये देखिए आपके पास यहाँ पे नीचे लिंक आ रहा है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे telecharger.univideo.com पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे, और कुछ देर के बाद ये आपके पास साइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आपने पेस्ट पे क्लिक करना है, और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका लिंक यहाँ पेस्ट हो चुका है, और आप क्लिक करेंगे गेट डाउनलोड लिंक पे, और जैसे हम गेट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे MP4 पे आपने क्लिक करना है, और लिंक आपके पास यहाँ पे आ चुका है। और जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहले एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी, आपने इसको क्लोज करना है, और फिर आप क्लिक करेंगे क्रिएट जनरेट डाउनलोड लिंक, और जैसे आप जनरेट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके सामने लिंक जनरेट हो रहा है। उसे वेट करेंगे अभी, और देखिए 8.9 MB की हमारे पास वीडियो है, और आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है डाउनलोड, और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे अगर आपका IDM सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिकली ये IDM में इसका लिंक ओपन हो जाएगा, और वहां से हम डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे IDM का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था, तो ये देखिए आपकी फाइल यहाँ पे शो हो रही है, और हम यहाँ पे देखें उस वो पाथ सेलेक्ट करेंगे जिस पाथ पे हम इसको सेव करना चाहते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ ब्राउज पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं इस वीडियो को सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये वीडियो आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। 1 मिनट और 15 सेकंड में ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी वीडियो उसका यूआरएल कॉपी करके आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे, और उसके बाद गेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आप वहां से IDM के जरिए डाउनलोडिंग कर सकते हैं, और इस तरह से कुछ सेकंड के बाद ये वीडियो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और आप इस वीडियो को किसी भी मीडिया प्लेयर में आप प्ले कर सकते हैं, और किसी को भी आप यहाँ मेल कर सकते हैं और कॉपी करके दे सकते हैं। क्लोज पे क्लिक करते हैं। अभी देखिए वीडियो हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुकी है, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे VLC प्लेयर पे, तो आप देखिए आपकी वीडियो यहाँ पे VLC प्लेयर में या किसी भी दूसरे प्लेयर में प्ले हो सकती है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।